हेलो फ्रेंड्स, मैं दोयल। साइक्लोन स्टॉर्म के बाद मेरे गार्डन का क्या हालत है, उसी का अपडेट आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहिए। आज 27th में मंडे है। कल यानी 26th मई को हमारे यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक साइक्लोन आया था जिसका नाम रेमेल है, और उसका इफेक्ट मेरे गार्डन में आप देख सकते हैं। ये जो सारे पॉट आप गिरे हुए देख रहे हो वो उसी का इफेक्ट है। कल रात को ही साइक्लोन आने से पहले मैंने कुछ कुछ पॉट नीचे उतार दिया था जो ऊपर रखा हुआ था, लेकिन जो नीचे था वो भी ऐसे गिरा हुआ था। तो आज हम वही सब सीधा कर रहे हैं। बहुत सारे पौधे हैं जिसका ब्रांचेस टूट गया है, बहुत सारे पौधे हैं जो बहुत ख़राब हो गया। आप देख सकते हैं, ये मेरा पिंक चांदनी का पौधा है जो पूरा हिल गया है, उसका पत्ता भी टूट गया है, बहुत सारा ब्रांचेस खराब हो गया है। प्रिकॉशन तो पहले मैंने ले लिया था कुछ कुछ, तो उसके बाद भी कुछ डैमेज तो हुआ है। इधर मेरे जो ये पिंक चांदनी के पास मेरा नीम का पौधा है, उसका भी ब्रांचेस टूट गया है। आप देख सकते हो कि पौधा एक तरफ हिल गया है। ये मेरा एलोवेरा का पौधा नीचे गिर गया था, और ऊपर का जो स्टैंड है वो मैंने पहले ही खाली कर दिया था, इसीलिए वहाँ का कुछ पॉट नहीं नीचे गिरा है। ये मेरा हिबिस्कस का पौधा नीचे गिर के उसका पॉट पूरा एकदम डैमेज हो गया है। ये पौधा आप देख रहे हो कि पूरा हिल गया है, और इसका जो पॉट है उसमें पानी पूरा भर गया है। अभी जब तक बारिश ख़त्म नहीं होता है तब तक इसका पानी ऐसे ही रहेगा, फिर उसका ड्रेनेज होल मुझे चेक करके उसको ठीक करना पड़ेगा। ये मेरा जैस्मिन और मोगरे के पौधों का भी वही सेम हाल है। पौधा एकदम एक तरफ हिल गया है, मिट्टी बिल्कुल नरम हो गया है, तो अभी इसको अगर मैं सीधा करने का कोशिश भी करूं तो भी ये ठीक तरह से सीधा नहीं होगा। और फिर से आज मंडे को भी बहुत जोर का हवा चलने का फोरकास्ट है, इसीलिए कल जब धूप निकलेंगे थोड़ा मिट्टी सूखेगा तब मैं इसको सीधा करने की कोशिश करूंगी कोई सपोर्ट के सहारे। ये मेरा मैंगो और ये स्वीट ऑरेंज का जो पौधा, ये भी पूरा एक साइड में हिल गया है। छोटा छोटा जो फ्रूट था वो भी गिर गया है। आप देख सकते हो कितना सारा ब्रांचेस टूट के इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है। ये कुछ पौधे जो हाइट वाला पौधा है मैंने पहले ही नीचे उतार के रखे थे, तो इसमें भी पानी पूरा भर गया है। इसको मैं अभी हिला के पानी को थोड़ा गिरा दूंगी, लेकिन इसका ड्रेनेज ठीक नहीं है, तो आफ्टर मौसम ठीक होने के बाद मुझे ये भी ठीक करना पड़ेगा। इधर भी देखिए, मेरा पॉट गिर के टूट गया है, और ये उसके पास ही मेरे दो लैंटर्न हिबिस्कस का पौधा था, वो भी एकदम हिल गया है, पत्ता भी टूट गया है, तो उसको भी मुझे ठीक करना पड़ेगा। आज पूरा दिन आंधी तूफान और भारी बरसात के बाद फाइनली शाम को वेदर थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। लगता है कल मौसम और भी थोड़ा इम्प्रूव करेगा। आसमान को देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर कल वेदर थोड़ा इम्प्रूव करेगा तो मेरे गार्डन में जो चीज़ हुआ है, जो टूटा फूटा है, जो पौधे का जो हालत है, वो थोड़ा ठीक करने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपके गार्डन का भी ऐसा कुछ हाल हुआ है तो आप मुझसे शेयर कीजिए, और अगर आपके वहाँ पे भी साइक्लोन या फिर तेज हवा चलने में आपका गार्डन में कुछ हुआ है तो वो भी आपसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।